जड़ी बूटी के इस्तेमाल से आपके जिद्दी सफेद बाल आधे घंटे में जड़ से काले हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसा जबरदस्त नुस्खा लेके आऊं जिसके केवल आधे घंटे के इस्तेमाल से आपके जिद्दी सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़ देंगे और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सफेद बालों की परेशानी आज की डेट में हर एक व्यक्ति के साथ देखी जाने लगी है, चाहे वो यंग हो चाहे वो जवान हो। और इस परेशानी के दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला, बालों को पोषक तत्व ना मिलना। मतलब कि दोस्तों, जो लोग अधिक मात्रा में अनहेल्दी डाइट खाते हैं जिसकी वजह से उनके बालों को प्रोटीन, फाइबर, जिंक नहीं मिल पाता और उसी की वजह से उनके सफ़ेद बालों की समस्या उत्पन्न होने लगती है। दूसरा कारण ये होता है कम उम्र में सिगरेट और दारू का सेवन करना, जो कि उनके बालों के अंदर एक गंदे टॉक्सिन पैदा कर देते हैं और उसी की वजह से उनके सफ़ेद बाल तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनके बालों का टूटना व झड़ना भी स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग चिंतित होकर के तनाव में आकर तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेयर जेल, हेयर क्रीम, जिसकी वजह से वो जितना भी केमिकल होता है उनके बालों में दुगनी व तिगनी तेजी समा जाता है और उनके सफ़ेद बाल हमेशा के लिए सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आज की होम रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो अब आपको इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों, आपको ये लेना है हमारा ये नीम का पाउडर। नीम के पाउडर में दोस्तों कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी एंटीडिक, एंटी ऑक्सीडेंट, प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करता है और आपके हेयर फॉल को भी रोकता है। तो आपको 2 चम्मच के तकरीबन ले लेना है हमारा नीम का पाउडर। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल में लेना है वो है दोस्तों हमारा ये शुद्ध एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में दोस्तों विटामिन ए, सी, ई, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटा ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों आपके सफ़ेद बालों को तो जड़ से ही काला करते हैं, साथ ही साथ आपके चेहरे की रौनक बढ़ाते हैं और आपके चेहरे पे से पिंपल्स, झाइयों में झुर्रियों की समस्या को भी झाड़ से समाप्त करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना है हमारा ये इतनी सी मात्रा में एलोवेरा जेल। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितनी मात्रा में मैं चीज़ ले रहा हूँ आपको भी उतनी मात्रा में ही चीज़ें लेनी है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप महिला हैं तो आप अपने बालों के अनुसार ही इस नुस्खे को इस्तेमाल में लें। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल में लेना है वो है दोस्तों हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में दोस्तों कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, जो कि दोस्तों आपके सफ़ेद बालों को तो जड़ से काला करता ही है और आपके बालों में एक ऐसी नई चमक देता है जिससे कि आपके बाल लंबे, घने व मोटे, शाइनी दिखते हैं। तो आपको कितनी सी मात्रा में तेल लेना है वो आप देख लीजिए। अब आपको इसको ले लेना है कुछ इस प्रकार से, 1 से 2 चम्मच के तकरीबन, जिससे कि आपका ये नुस्खा बन कर तैयार हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये नुस्खा धीरे धीरे घुलने लगा है और हमारा ये कुछ इस तरह से नुस्खा बन कर तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे को आपको किस प्रकार से लगाना है। आपको इस नुस्खे को सबसे पहले अपने बालों को साफ पानी से धो लेना है, फिर आपको अपने बालों को सुखा लेना है धूप में, फिर आपको इस नुस्खे को लेना है और अपने बालों के जुड़े में कुछ इस प्रकार से लगाना है और 5 मिनट तक हल्के ऐसा मसाज करनी है जिससे कि ब्लड संचार होगा आपके बालों के अंदर, साथ ही साथ आपके बालों को जो पोषक तत्व नहीं मिल पाते वो सारे पोषक तत्व आपके बालों को मिलने लगेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको लगाना है, फिर आपको इसे आधे घंटे तक यूं ही लगे छोड़ देना है, फिर आपको अपने बालों को हर्बल शैम्पू से धो लेना है। धो लेने के साथ ही आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जिद्दी सफेद बाल जड़ से समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे इस्तेमाल में करना है। दोस्तों, इसके अंदर एंटी एंटीडिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स, मित्र इस परेशानी से जूझ रहे हो उन भाई के साथ भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक शेयर कीजिए। धन्यवाद।